भारत श्रीलंका सीरीज में माई 11 सर्किल ऐप पर बनाएं अपनी टीम, चैंपियंस को हराएं और जीते ढेर सारा कैश। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करें माई 11 सर्किल का ऐप, पाएं 1500 का बोनस और 20% एक्स्ट्रा कैश बैक। तो देर किस बात की, अभी जाकर डाउनलोड करें इस शानदार ऐप को। इस खेल में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया अपनी जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच हुए T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान टीम ने वापसी करते हुए पाकिस्तान टीम को जोरदार पटखनी दी है। इंग्लैंड ने शानदार गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान को 45 रनों से हरा दिया और सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। पाकिस्तान की हार पर पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने नाराजगी जताते हुए गुस्से में बड़ा बयान दिया है। शोएब अख्तर ने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम को टीम से बाहर निकालने की बात कही है। बता दें, टीम के कप्तान बाबर आजम ने लीड्स की सपाट विकेट पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका ये निर्णय टीम की हार का बड़ा कारण रहा। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी बाबर आजम के इस फैसले से बेहद हैरान नजर आए और उन्होंने कैप्टन और टीम मैनेजमेंट को जमकर खरी खोटी सुनाई। शोएब अख्तर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बाबर आजम की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने वीडियो में कहा, टॉस जीतकर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है फील्डिंग का। मुझे समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ये इंग्लैंड का सबसे गर्म दिन है और ये तो किसी पागल को भी पता होगा कि जब यॉर्कशायर में इतनी धूप पड़ रही है और इतना सपाट विकेट हो तो आप 232 रन करके आए हैं, उसके बाद भी आप बॉलिंग चुन रहे हैं। इस बात को जानते हुए कि बटलर आज खेल रहे हैं और वो ओपनिंग करेंगे, ये मेरी समझ से परे है कि पाकिस्तान ने क्यों टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बता दें, पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने आगे कहा, अगर मैं पीसीबी चेयरमैन होता तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने के खराब फैसले के लिए टीम मैनेजमेंट और कप्तान बाबर आजम को बर्खास्त कर देता।